दोस्तों, आज के समय में कौन नहीं चाहता है कि वह एक अच्छी सैलरी पाए। सभी लोग यही चाहते हैं कि उनको बैठे बिठाए अच्छी सैलरी मिले। आज के इस वीडियो में हम आपको भारत में अच्छी सैलरी पैकेज वाली 10 नौकरियों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। मैनेजमेंट, इस प्रोफेशन में लोग बढ़िया पैसे कमा सकते हैं। किसी भी संस्था को चलाने या मैनेज करने के लिए एक काबिल और टैलेंटेड लोग की ज़रूरत होती है। मैनेजमेंट का काम कई चुनौतियों से भरा होता है, लेकिन उन चुनौतियों पर खरा उतरने के लिए उन्हें बढ़िया पैकेज मिलते हैं। एक अनुमान के मुताबिक मैनेजर अपने करियर में के एंट्री लेवल पर 3 लाख, मध्य लेवल पर 25 लाख और अनुभव हासिल करने तक 80 लाख रुपए सालाना तक कमा सकता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इस प्रोफेशन में काम करने वालों को मनी मैन भी कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम कंपनी की कैपिटल बनाना और सही फाइनेंशियल एडवाइस देना भी होता है। इस प्रोफेशन में शुरुआत में ही सालाना 12 लाख रुपए का पैकेज मिल सकता है और अनुभव होते होते कोई 50 लाख रुपए तक भी कमा सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए प्रोफेशन को भारत के सबसे सम्मानित प्रोफेशंस में से एक माना जाता है। इस प्रोफेशन में एंट्री लेवल पर ही 5,50,000 का पैकेज कोई भी कैंडिडेट हासिल कर सकता है और एक्सपीरियंस होने के बाद 25,30,00,000 रुपए आराम से कमा सकता है। ऑयल एंड नेचुरल गैस सेक्टर, इस प्रोफेशन में लोग भारी मुनाफा कमा सकते हैं। कोई अनुभवी व्यक्ति इसमें 15-20 लाख रुपए आराम से कमा सकता है। बिजनेस एनालिस्ट, किसी भी कारोबार का नियमित रूप से एनालिसिस होना या होते रहना जरूरी है। संस्थान एनालिसिस के काम के लिए प्रोफेशनल्स को रखते हैं और उन लोगों को काफी अच्छा पैसा कमाने का मौका भी मिलता है, तथा वह संस्था बिजनेस एनालिस्ट को एक अच्छा पैकेज भी देती है। एविएशन, इस सेक्टर में आपको कई विकल्प मिलते हैं और सैलरी भी काफी आकर्षक होती है। इसमें आप एवरेज 20 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। किसी कमर्शियल पायलट की सैलरी 20 लाख, हेलीकॉप्टर पायलट की सैलरी 18 लाख और मेंटेनेंस इंजीनियर की सैलरी 9 लाख तक तो होती ही है। मेडिकल, इस पेशे से आप तो परिचित होंगे ही और हमें यह दोहराने की जरूरत नहीं कि इसमें आप बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। प्रोफेशन की शुरुआत में आप 4 लाख से ज़्यादा और अनुभवी होने तक 18 लाख या 20 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। वकालत, वकालत भी भारत में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले पेशे में गिना जाता है। देश के मशहूर और वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी इस पेशे का सबसे बढ़िया उदाहरण है। वह एक पेशे के लिए लाखों रुपए तक ले लेते हैं। कई बार तो इस पेशे में वकील इसलिए जज नहीं बनते ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना सके। एक कॉरपोरेट वकील एवरेज 6,10,000 रुपए और कोई सीनियर अटॉर्नी एवरेज 9,50,000 रुपए तक कमा सकता है। मार्केटिंग, यह काम दुनिया के सबसे कठिन प्रोफेशंस में से एक है, लेकिन इसमें महारत हासिल करने वालों की चांदी हो जाती है। मार्केटिंग एक आर्ट है और इस पेशे में लोगों की एवरेज सैलरी 1.5 लाख से 10 लाख रुपए या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। आईटी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इस प्रोफेशन को तो कोई भी नहीं भूल सकता। यह कहना गलत नहीं होगा कि इसके बिना कई काम ठप हो जाएंगे। आज संस्थानों में कंप्यूटर के जरिए ही काम होता है और उन्हें चालू रखने के लिए आईटी प्रोफेशनल्स की ज़रूरत हर कंपनी को होती है। इस पेशे में एवरेज सैलरी 3,50,000 से लेकर 15,50,000 रुपए तक हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट छोटूनाई.com पर भी विजिट कर सकते हैं।